नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एशियाई में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक न्यू रिक्वायरमेंट जो कि बेल की तरफ से निकल कर आई है, मतलब कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, बेल की तरफ से फ्रेशर ITI स्टूडेंट के लिए है, ITI स्टूडेंट के फ्रेशर छात्रों के लिए है, जो फ्रेशर मतलब कि जो अभी पास आउट हुए हैं इस साल या अगले साल हुए उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नोटिफिकेशन जो आया, आप इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं ताकि आप भी अच्छे से इस फॉर्म को फिल कर सकें। देखिए, बेल रिक्रूटमेंट 2023 फ्रेशर या अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्या है? अप्रेंटिस है, परमानेंट नौकरी नहीं है, ये आपके लिए अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट निकाली गई है बेल की तरफ से। इसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा जो कि 22 सितंबर 2023 को आपको होगा। ठीक है, तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल। ठीक है, ये इंग्लिश में जो लिखा है इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इंटरव्यू में आपको इसी के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो इसलिए इसको हिंदी में करके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। बेल रिक्वायरमेंट 2023 डिटेल्स है, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट www.bailindia.in। पोजीशन जो है अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस के पद पर आपकी भर्ती होगी। ठीक है, जॉब लोकेशन है चेन्नई, स्टाइपेंड है आपका 8,050 रुपये पर मंथ। आज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका ITI पास होना चाहिए, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड पेंटर जनरल में, इन चार ट्रेडों को मौका मिला है। ठीक है, तो इसमें एज लिमिट है, इसमें एज लिमिट आपका दिया 21 साल, मतलब कि 21 साल तक एज लिमिट वाले जा सकते हैं। इसमें आपका जो जोड़ा जाएगा वो 1/9/2023 से जोड़ा जाएगा, उसके बाद अगर आप 21 साल होते हैं तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, आई एज रिलैक्सेशन देखा जाए तो SC ST वालों के लिए 5 साल और OBC वालों के लिए 3 साल है। टोटल वैकेंसीज जो है वो 15 पोस्ट है, जिसमें फिटर के लिए 6 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 6 पोस्ट, पेंटर जनरल के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है, टोटल मिला के आपको 15 पोस्ट SSLC मार्क्स कार्ड या तो 10 मार्क्स मतलब कि 10 का सर्टिफिकेट, और दूसरा नंबर है आधार कार्ड लेके जाना है, तीसरा ITI ओरिजिनल मार्कशीट इश्यूज बाय नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब कि NCVT द्वारा, या आप अगर SCVT से हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे है SC ST OBC का सर्टिफिकेट, मतलब कि आपकी जो जाति होती है उसका सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। ठीक है, और आगे है ITI NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर और ITI NAPS एनरोलमेंट मेल, मतलब कि जो आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा जब आप अप्रेंटिस का फॉर्म भरेंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और एनरोलमेंट नंबर देता है, तो वही आपको मेल लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, नोट ओनली इंडियन नेशनल एंड कैंडिडेट्स फॉर तमिलनाडु रिलीजन आर एलिजिबल, मतलब कि इसमें सिर्फ इंडिया के ही लोग एलिजिबल है, वो भी सिर्फ तमिलनाडु के रहने वाले के लिए। ठीक है, तमिलनाडु वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब वॉक इन इंटरव्यू डिटेल्स, मतलब कि डिटेल्स आपको बता रहे हैं कि कहाँ इंटरव्यू होगा। 22 सितंबर को आपको इंटरव्यू होगा, 22 सितंबर को, टाइम है 8:30 AM, आप जल्दी पहुँच जाइएगा। अब वेन्यू है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल आर्मी रोड, OP2 आर्मी पब्लिक स्कूल, नंदम बक्कम चेन्नई। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो फिर इसी तरह नई जानकारी के साथ, नए नोटिफिकेशन के साथ आपके लिए लेकर आएंगे, इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।